सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे एंड स्वागत है सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि आज है संडे, ये वैसे संडे का व्लॉग है और कल को हमारे टेस्ट होने हैं, इसलिए मैं अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और अभी टेस्ट मतलब प्रिपरेशन करते करते मैंने लिया है थोड़ा सा ब्रेक, तो मैं सुन रही हूँ गाने। वैसे आप एक बात बताने, मेरे पूरे गानों की प्लेलिस्ट है, क्या आपने इनमें से कोई गाना सुना है? और सुना है तो कौन सा सुना है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद यहाँ पर हमने खाए थोड़े से चिप्स पढ़ाई के बाद, और थोड़े स्नैक्स के तौर पर। और उसके बाद मम्मी बनाने लगी पालक पनीर का साग, जो कि बहुत टेस्टी था। तो उसके लिए मम्मी ने यहाँ पे पनीर ले लिया है, और पहले तो टमाटर और मिर्ची की प्यूरी बना ली है, और यहाँ पे ये जो पालक है उसको मम्मी अच्छे से साफ़ कर रही है। तो मम्मी ने साफ़ तो कर दिया था पालक वैसे ऑलरेडी, तो अभी मम्मी इसको रख रही है गैस पे कुक होने के लिए, मतलब स्टीम होने के लिए पालक को। तो गैस पर इसको चढ़ा देंगे, उसके बाद यहाँ पर इस पालक में डाल देंगे थोड़ा सा नमक एंड थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। अब इसको कुक होने के लिए रख देंगे, इसमें लेड भी लगा देंगे। उसके बाद थोड़ी देर मतलब 5-10 मिनट से कुक करा, तो देखो ऐसे कुक होके आ गया है और इसने अपना पानी भी अलग कर दिया है, जो कि हरे रंग का है ऑब्वियसली, क्योंकि पालक पनीर हरे की होती है। मुझे पता है, सभी को पता होगा, वैसे तो मैं भी पता नहीं क्या बोलती रहती हूँ। फिलहाल हमने यहाँ पे जो तेल उसे गर्म होने के रखा है उसके अंदर डाला जीरा और काली मिर्च, साथ ही में यहाँ पे कटे हुए प्याज और थोड़े से लहसुन। और इसके बाद इसको हमने अच्छे से भून लिया है, मतलब मिक्स कर लिया है। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हींग, यहाँ जो हमने टमाटर मिर्ची की प्यूरी बनाई थी उसमें डालेंगे मसाले और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और तब तक जब तक हम यहाँ पर लंच बना रहे थे, तब तक हमारा सिलेंडर वाले भैया आए थे सिलेंडर चेंज करने के लिए। तो हाँ, तो सिलेंडर भी चेंज हो गया है। अभी क्या है ना, हमने क्या कर रहे हैं, ये बेसन ले रहे हैं और बेसन में थोड़ा सा पानी मिला के इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी कह रही हैं कि मतलब जब बेसन जो है ना, इसको जब डालते हैं पालक पनीर में तो वो अच्छे से गाढ़ी हो जाती है, बहुत ही मस्त लगती है। तो इसलिए मम्मी वो भी आज ट्राई कर रही हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो पनीर है उसको मम्मी काट रही हैं छोटी छोटी पीसेस में, और यहाँ पर मम्मी चावल भी साफ़ कर रही हैं, क्योंकि हम पालक पनीर विद चावल खाने वाले हैं। रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, बट मुझे तो चावल के साथ ही पसंद है। तो प्यूरी तो हमने इसमें डाल दी थी, अब साथ ही में यहाँ पे हमने ना जो पालक को अच्छे से कुक करके हमने इसको ग्राइंड कर लिया था, पीस लिया था अच्छे से, तो इसको भी अच्छे से ऐड करके इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर के पीसेस जो मम्मी ने अभी काटे थे, तो सारे के सारे ऐड कर दिए हैं, थोड़े से कुक होने के लिए रख देंगे। एंड या हमारी टेस्टी सी पालक पनीर बन के एकदम रेडी है। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा मक्खन भी डाला, लेकिन वो अंदर ही डूब गया, क्या ही बोलूँ। तो यहाँ पे हमारी लंच जो है एकदम रेडी है। लंच के बाद हम आए थे थोड़ा सा नीचे ऐसे घूमने घामने के लिए, क्योंकि हमने कहा कि धूप भी आई रखी है थोड़ी थोड़ी, तो अंदर हमें ठंड लग रही थी, तो हमने कहा कि चलो बाहर चलते थोड़ा सा मतलब धूप में। तो सिद्धि को ना अपने एक दोस्त भी मिल गया है, मतलब सिद्धि उसके साथ ही खेलती रहती है आजकल। और फिर जब वो ऊपर आए तो पढ़ने बैठे, क्योंकि टेस्ट था इसलिए हम दोबारा से पढ़ने बैठ गए, और डैडी तब तक ले आए थे स्प्रिंग रोल। और उसके बाद मम्मी जो है ना पालक पनीर, इतनी मैं बताऊँ पालक पनीर इतनी अच्छी बनी थी ना कि वो लंच टाइम में ही ख़त्म हो गई थी सच्ची में। तो अभी मम्मी बना रही हैं यहाँ पे आलू मेथी की सब्ज़ी, जो कि मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो उसके लिए पहले तो मम्मी क्या कर रही है ना, आज वो भी बना रही है थोड़े से चिप्स और पापड़ फ्राई कर रही हैं, और देखो कितनी जल्दी से फ्राई हो गई है चिप्स, मतलब काफ़ी गजब के है। तो यहाँ देखो कितने कलरफुल से चिप्स हैं, और बाकी यहाँ पे थोड़े से और चिप्स हैं तो मम्मी वो भी डाल रही हैं, और जो पापड़ वगैरह भी है तो पापड़ वगैरह भी डाल रही हैं। तो हाँ, ये हमारा थोड़ा सा मतलब स्नैक्स के तौर पे हो गया है लंच के साथ। तो यहाँ पे चिप्स हमारे हो गए हैं, साथ ही मम्मी कर रही हैं सारे के सारे पापड़। सो अब मम्मी साथ ही में क्या कर रही हैं, तेल गर्म ही है तो इसमें थोड़ी सी मिर्चियाँ भी डाल दी हैं, तो मिर्चियों को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है, तो ये थोड़ा सा स्नैक्स के रूप में हो गए। और अब हमारे यहाँ पे डिनर बनने की तैयारी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे गर्म तेल में डाला थोड़ा जीरा, उसमें आलू को डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया गोल्डन ब्राउन होने तक, और यहाँ पर मेथी को भी मम्मी अच्छे से कट कर रही हैं, तो देखो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं हल्के हल्के, तो बस इतना ही रखना है। उसके बाद इसके अंदर डाल दिया है हमने मेथी, और मेथी हमने ज़्यादा डाली थी ताकि थोड़ी ज़्यादा सब्ज़ी बने, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है, ठीक है। और उसके बाद हमने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा नमक, और इसको अच्छे से टॉस कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे मतलब। और साथ ही मम्मी ने रोटी भी बना दी थी, तो इसको थोड़े से कुक होने के लिए रखेंगे। और हमारा जो जो डिनर है आलू मेथी की सब्जी रोटी पापड़ और थोड़े बहुत चिप्स, तो वो बन के एकदम रेडी है। सच में कमाल का डिनर था।
सो या गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ एंड तब तक अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय।